हेलो एवरीवन, आई एम संगीता। मेरे चैनल हर स्पेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ दाल चावल से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैंने ये दाल चावल रात को डिनर में बनाने के लिए भिगोए थे बट नहीं बन पाए, तो सोचा ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा बनाया। चिल्ले बनाने के लिए मैंने लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 कटोरी चावल भीगे हुए, 1 कटोरी अरहर की दाल भीगी हुई, 1 आलू कद्दूकस किया हुआ, थोड़े सा धनिया, 2 हरी मिर्च, 1 प्याज कटा हुआ और नमक। चिल्ले बनाने के लिए हम जार में लेंगे भीगे हुए चावल। यहाँ पर जो दाल चावल है ये रात भर भीगे हुए हैं, लेकिन आप 1 घंटा पहले भी भिगो सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे दाल, थोड़े से लहसुन जो हमने छील के रखे थे, 2 हरी मिर्च। आप इसको और भी ज़्यादा तीखा करने के लिए ज़्यादा कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। और हम ऐड करेंगे नमक जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारा चिल्ले का बैटर एकदम तैयार है, ये देखिए। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे धनिया पत्ती, इसके बाद हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं कद्दूकस किया हुआ आलू। आलू ऐड करने के बाद हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चिल्ली फ्लेक्स और ओरिगेनो। ये सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ, तो आप भी अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको बैटर ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है, और अगर आपका बैटर बिल्कुल सही बना है तो आपको पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। चिल्ले बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया है। पैन को गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को हम स्पून से या फिर ब्रश की हेल्प से इस तरह से फैला लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर एक बड़ा वाला स्पून भर के बैटर फैलाएंगे। ये देखिए मैंने 1 चम्मच बैटर लिया है और उसको स्पून की ही हेल्प से अच्छे से फैला लिया है। और इस तरह से गोल गोल हमें इसको फैला लेना है। इसमें ज्यादा कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैटर थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो आसानी से फैल जाएगा। इसके बाद हमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है चारों तरफ से, ताकि हमारा जो चिल्ला बनेगा वो चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी बने और नीचे से जले ना। और फिर हम उसको 2 मिनट के लिए सिकने देंगे। 2 मिनट बाद इस तरह से हम उसको धीरे धीरे करके पलट देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने चिल्ले को पलट दिया है, वो हल्का ब्राउन सिक गया है। आलू ऐड करने से जो चिल्ला है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है, तो आप आलू ज़रूर ऐड कीजिए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फिर से ऑयल ऐड किया है, ताकि दूसरी तरफ से भी चिल्ला बहुत अच्छे से सिक जाए। ये देखिए यहाँ पर मैंने पलटे की हेल्प से उसको अच्छे से प्रेस करके गोल्डन ब्राउन होने दिया है, और फिर से हम पलटे की हेल्प से उसको पलट लेंगे। और दोनों तरफ से हमारा जो चिल्ला है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बस अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर दूसरा चिल्ला भी बना के दिखाया है। फिर से मैंने पैन को गर्म किया, ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर बैटर डाला।
बैटर को उसी वाले स्पून से फैला दिया इस तरह से। बस बैटर फैलाने के बाद यहाँ पर मैंने चारों तरफ से थोड़ा सा ऑयल फिर से ऐड किया है। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम ऑयल ऐड करना है और उसको हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इस तरह से चारों तरफ से उसको छुटाएंगे और फिर पलट देंगे। ये देखिए, इस तरफ से हमारा चिल्ला एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है और हम दोनों तरफ से चिल्ले को अच्छे से सेक लेंगे। चिल्ले बिना आटा मैदा सूजी के बनते हैं। दाल चावल से बनने की वजह से ये बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।